नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RBSC विद HSM में। हरिदेव जोशी यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के द्वारा पत्रकारिता एवं जनसंचार में PhD प्रवेश परीक्षा 2021 से 2022 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं एवं इसी के साथ में स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों के लिए प्रथम फेज की एडमिशन लिस्ट जारी कर दी गई है एवं द्वितीय चरण के पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। इस वीडियो के माध्यम से हम इन सभी अपडेट्स के संदर्भ में विस्तार पूर्वक चर्चा इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले हमें लॉगिन होना होगा हरिदेव जोशी यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध करा दिया गया है। जैसे ही वेबसाइट पर लॉगिन होंगे हमें इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। एडमिशंस दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही हमारे सामने एक नया वेब पेज ओपन होगा। वेबसाइट को स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करने के दौरान अप्लाई नाउ दिए गए लिंक पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं हमारे सामने एक नया वेब पेज ओपन होगा। वेबसाइट को स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करने के दौरान हमें फर्स्ट फेज एडमिशन लिस्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। दिए गए ऑप्शन पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं हमारे सामने एक PDF फाइल डाउनलोड होगी। इस PDF फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। फर्स्ट ईयर BA JMC इन सेशन 2021 से 2022 लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर प्रोविजनली एडमिशन। फॉर्म नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम एंड फी के संदर्भ में हम यहां जानकारी आसानी से ले सकते हैं। टोटल स्टूडेंट है 30। काउंसलिंग और शुल्क जमा कराने की प्रक्रिया दिनांक 9/9/2021 से प्रारंभ होगी। प्रारंभ हो चुकी है। नामांकन या इनरोलमेंट से पूर्व सभी विद्यार्थियों को मूल दस्तावेजों से प्रवेश आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों की प्रतियों का सत्यापन करवाना तथा TC व प्रव्रजन माइग्रेशन प्रमाण पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा। आपका प्रवेश एवं शुल्क इन दस्तावेजों के सत्यापन के अधीन है। सभी मूल दस्तावेज यथाशीघ्र अपने पास सुरक्षित कर लें। तो यहाँ पर जो काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है प्रारंभ हो चुकी है। फर्स्ट ईयर BA JMS इन सेशन 2021 से 2022। MA JMC PM इन सेशन 2021 से 2022। फीस, फादर्स नेम, स्टूडेंट एवं फॉर्म नंबर के संदर्भ में हम यहां जानकारी आसानी से ले सकते हैं। इन सभी PDF फाइलों का लिंक टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध करा दिया गया है जहां से आप इन्हें आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। 1 ईयर डिप्लोमा इन ग्राफिक्स एंड एडमिशन इन सेशन 2021 से 2022। अब बात करेंगे हम फीस किस प्रकार जमा करा सकते हैं। सर्वप्रथम अभ्यर्थी को काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लेना होगा। काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लेने के पश्चात चेक योर फॉर्म नंबर फ्रॉम रिलीज एडमिशन लिस्ट, पे एडमिशन फी दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। आई हैव रीड एंड एक्सेप्टेड द टर्म एंड कंडीशन स्टेटेड अबव दी गई लिंक पर हमें टिक लगाना होगा और इसके पश्चात प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। प्रोसीड पर जैसे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करते हैं हमारे सामने सेलेक्ट पेमेंट कैटेगरी का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ हम एडमिशन फी 2021 से 2022 का लिंक पर चयन करेंगे। इसके पश्चात फॉर्म नंबर फिल करेंगे। फॉर्म नंबर हमें एडमिशन जो लिस्ट है उसमें से भी प्राप्त हो जाएगा। तो यहां हम एक नंबर लेके देखते हैं 567।
इसके पश्चात सबमिट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं, हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस होगा जहां पर हमें फॉर्म नंबर, सेशन, ईयर, प्रोग्राम, एप्लीकेशन आईडी, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, जेंडर, कैटेगरी, डोमिशियल, टैक्स पेयर, एडमिशन फ़ी के संदर्भ में जानकारी मिल जाएगी। इसके पश्चात हमें रिमार्क लिखना है, फॉर पर्सनल बैंकिंग इन कॉरपोरेट मोबाइल नंबर दिस रिक्वायर टू रिप्रिंट योर ई रिसिप्ट नेम एंड डी ओ बी। इसके पश्चात हमें अपना नाम लिखना है, डी ओ बी लिखनी है। डी ओ बी हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले ईयर, इसके पश्चात मंथ और इसके पश्चात डे। ईमेल आईडी, एंटर द टेक्स्ट एज शोन इन द इमेज कैप्चा जो फिल करेंगे और सबमिट पर क्लिक करके हम अपनी एडमिशन फ़ी आसानी से जमा करा सकेंगे। तो इस प्रकार हम एडमिशन फ़ी आसानी से जमा करा सकते हैं। अब बात करेंगे हम एडमिशन शेड्यूल के संदर्भ में, दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। प्रथम मेरिट सूची का प्रकाशन किया जा चुका है 7/9/2021 को। काउंसलिंग एवं शुल्क जमा कराने का कार्य 8/9/2021 से 17/9/2021 तक किया जा सकता है। द्वितीय मेरिट सूची का प्रकाशन 18/9/2021 को होगा। काउंसलिंग एवं शुल्क जमा कराने का कार्य 20/9/2021 से 23/9/2021 तक रहेगा। तृतीय और अंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन 24/9/2021 को होगा। काउंसलिंग एवं शुल्क जमा कराने का कार्य 25/9/2021 से 28/9/2021 तक रहेगा। प्रथम सूची में जिन अभ्यर्थियों का नाम आया है, वे अभ्यर्थी 8/9/2021 से 17/9/2021 तक काउंसलिंग एवं फी जमा कराने की प्रक्रिया कर सकते हैं। अब बात करेंगे ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार किया जा सकता है। तो अप्लाई नाउ पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने न्यू एप्लीकेशन का लिंक दिखाई देगा। अप्लाई पर हमें क्लिक करना होगा। फी स्ट्रक्चर के संदर्भ में हम यह जानकारी ले सकते हैं। अप्लाई पर जैसे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करते हैं, हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस होगा जहां पर पर्सनल डिटेल्स, जर्नल डिटेल्स, अप्लाइंग प्रोग्राम, एजुकेशन एलिजिबिलिटी, डॉक्यूमेंट्स, डिक्लेरेशन बाय द एप्लीकेंट एंड सबमिट पर क्लिक करके हम ऑनलाइन आवेदन आसानी से कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम एडमिट कार्ड किस प्रकार डाउनलोड किया जा सकता है। जैसे ही वेबसाइट पर लॉगिन होंगे, हमें लेटेस्ट न्यूज़ के अंतर्गत सेकंड फेज ऑफ एडमिशन इन ओपन फ्रॉम 3 सितंबर 2021 फॉर द सेशन 2021 से 2022 एवं एडमिट कार्ड का लिंक दिखाई देगा। एडमिशन कार्ड्स फॉर HJUPAT 2021 अवेलेबल, दिए गए लिंक पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं, हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस होगा जहां पर हमें फॉर्म नंबर फिल करना होगा। गेट एडमिट कार्ड पर क्लिक करके हम अपना एडमिट कार्ड आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम एग्जाम तिथि के संदर्भ में। एडमिशन शेड्यूल दिए गए लिंक पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड होगी। इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2021 से 2022 में पीएचडी में प्रवेश परीक्षा हेतु निम्नानुसार प्रवेश कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है। प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि है 9/9/2021 को, जारी हो चुके हैं। प्रवेश परीक्षा की तिथि है 18/9/2021। उत्तर कुंजी का प्रकाशन होगा 22/9/2021, 25/9/2021 एवं 30/9/2021। साक्षात्कार के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों की सूची
4/10/2021 को जारी होगी। विभागीय शोध समिति DRC द्वारा साक्षात्कार का आयोजन 21/10/2021, सूची तैयार कर प्रकाशित करना होगा 23/10/2021। औपचारिकताओं को पूरा करना 25/10/2021 से 28/10/2021 और कोर्स वर्क प्रारंभ हो जाएगा 10/11/2021 से। तो आशा करूंगा कि जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण रहेगी। किसी भी प्रश्न की स्थिति में इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न अवश्य रखें। इस चैनल के माध्यम से आपके हर संभव प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक बने रहें RBSE विद अजय सम के साथ। जय हिंद, जय भारत।